हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th गणित में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ दो प्रमुख बातों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले, अगर फंक्शन कोई डिफाइन है ए से बी पर, यानी एक फंक्शन यदि सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है, तो हमको प्रांत और सह प्रांत दिया रहेगा। ये होगा प्रांत और ये होगा सह प्रांत। फ्रेंड्स, फंक्शन या फलन जब भी एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन होता है, तो पहला सेट कन्फर्म प्रांत होगा और दूसरा सेट कन्फर्म सह प्रांत होगा। रेंज हम लोग इसमें निकालते हैं। फ्रेंड्स बताया है कि एफ एकैकी होगा यदि x1, x2 बिलोंग्स टू ए के लिए fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज दैट हमको मिल जाए x1 = x2। तो फंक्शन हमारा एकैकी होता है, यानी ये एकैकी फलन है। यदि ऐसा नहीं है, तो फंक्शन हमारा एकैकी नहीं होगा। अब एकैकी नहीं होगा तो वो बहुएकैक फलन होता है। फ्रेंड्स, इसलिए अगर एकैकी को चेक करें, अगर वो एकैकी है तो बहुएकैक नहीं होगा, और एकैकी नहीं है तो बहुएकैक होगा। फ्रेंड्स, यानी फंक्शन हमारा बहुएकैक होगा। दूसरा इसमें ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स, ये पहली बात। दूसरी बात, फंक्शन को देखना अगर हो कि फलन हमारा इनटू यानी अंतःक्षेपी या ऑनटू यानी आच्छादक है, तो हम उसके आच्छादक गुणों को जांच करते हैं। फ्रेंड्स, आच्छादक बोले तो ऑनटू। फ्रेंड्स, फलन एफ जो ए से बी पर डिफाइन है, एफ ऑनटू होता है या आच्छादक होता है यदि बाई फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू बी, यानी सह प्रांत, बी सह प्रांत होता है, तो फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू बी के लिए एक्स बिलोंग्स टू ए हो, ताकि fx = y प्राप्त हो जाए, तब हमारा फलन जो होगा वो आच्छादक होगा। यदि ऐसा नहीं है, तो फंक्शन हमारा ऑनटू या आच्छादक नहीं होगा। अब आच्छादक नहीं होगा तो फ्रेंड्स वह फंक्शन अंतःक्षेपी होता है। अंतःक्षेपी यानी इनटू या इंजेक्टिव होता है। बस यही इसमें काम करने हैं फ्रेंड्स, कि एकैकी गुणों को जांच करेंगे। अगर ये आ जाता है x1 x2 प्रांत से लेने पर x1 = x2 आ जाता है, तो फंक्शन एकैकी होगा। यदि ये नहीं आता है तो फंक्शन एकैकी नहीं होगा। अगर फंक्शन एकैकी नहीं है तो बहुएकैक होगा। आच्छादक या ऑनटू गुणों की जांच करने में यदि हमको प्राप्त हो जाए सह प्रांत के सभी बाई के लिए ए में एक्स मिल जाए, यानी सह प्रांत के प्रत्येक बाई का पूर्व प्रतिबिंब एक्स में मिले, इस प्रकार की fx = y हो, तो फंक्शन हमारा आच्छादक होता है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो आच्छादक नहीं होगा, यानी फंक्शन हमारा अंतःक्षेपी या इनटू होगा। तो फलन एकैकी यदि है तो बहुएकैक नहीं होगा, और बहुएकैक यदि है तो एकैकी नहीं होगा। आच्छादक यदि है तो अंतःक्षेपी नहीं होगा, और अंतःक्षेपी यदि है तो आच्छादक नहीं होगा। यदि फ्रेंड्स एक फंक्शन एकैकी और आच्छादक दोनों हो, तब उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। एकैकी और आच्छादक फलन या एकैक और आच्छादक फलन उसको कहते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.2 के
क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर एक कहता है फ्रेंड्स कि एक फंक्शन डिफाइन है, एक फंक्शन परिभाषित है आर स्टार टू आर स्टार। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। कहता है सिद्ध करें, इसमें साबित करना है हमको एकैकी और आच्छादक। सेकेंड पार्ट में कहता है यदि प्रांत को नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए और सह प्रांत यही रहा तो परिणाम क्या सत्य होगा। आइए बारी बारी से देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बताया है कि फंक्शन के लिए सबसे पहले उसको अच्छी तरह से समझें कि उसका प्रांत और सह प्रांत क्या है। यहाँ प्रांत और सह प्रांत आर स्टार है और आर स्टार का यहाँ मतलब है फ्रेंड्स आर पॉजिटिव, यानी इसमें सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, सभी पॉजिटिव नंबर्स इसमें हैं, यानी आर स्टार टू आर स्टार प्रांत भी यही है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर, और सह प्रांत भी सारे पॉजिटिव रियल नंबर हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें एकैकी की जांच करते हैं, वन वन की। बताया फ्रेंड्स इसमें एक्स वन कॉमा एक्स टू रखें आर स्टार से, एफ एक्स वन यहाँ से निकाल लें तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स वन, एफ एक्स टू यदि निकालें तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स टू। एफ एक्स वन बराबर रखना है एफ एक्स टू, यहाँ से हमको मिलेगा वन बाई एक्स वन, एफ एक्स वन है और एफ एक्स टू है वन बाई एक्स टू। इसको अगर उलट दें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, यानी यहाँ से क्लियरली हमको x1 बराबर x2 मिला है जब हमने fx1 बराबर fx2 रखा है, जहाँ x1 और x2 प्रांत से दो अवयव हैं। तो x1 बराबर x2 दिखाना इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो फलन f है f एकैकी है। इसके बाद जांच करते हैं फ्रेंड्स आच्छादक। आच्छादक यानी ऑन टू। आच्छादक के लिए बता रखा है फ्रेंड्स कि सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मिलना चाहिए। यहाँ प्रांत और सह प्रांत दोनों एक ही हैं फ्रेंड्स। तो चूंकि यहाँ पर एफ एक्स हमको दिया हुआ है वन बाई एक्स और एफ एक्स रेंज होता है जिसको हम बाई लिखते हैं, यानी बाई इज इक्वल टू होगा वन बाई एक्स, यानी यहाँ से इसको अगर एक्स निकालना हम चाहें तो बाई यहाँ चला जाएगा वन बाई बाई। अब बाई आर पॉजिटिव से कुछ भी रखें फ्रेंड्स, ये जो आर स्टार है फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू आर स्टार का मतलब है आर पॉजिटिव के लिए हमको मिलेगा x बिलोंग्स टू r स्टार, यानी बाई जो होगा सह प्रांत में उसके पूर्व प्रतिबिंब हमको प्रांत में मिलेंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार की अगर हम x के प्लेस पर फंक्शन में वन बाई बाई रख दें तो हमको बाई प्राप्त हो जाएगा। देखें फ्रेंड्स यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू है वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स के प्लेस पर वन बाई बाई डालें तो ये हो जाएगा बाई, यानी हमको मिलता है एफ एक्स इज इक्वल टू बाई। क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है फ्रेंड्स कि सभी बाई का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपलब्ध है, इसलिए एफ ऑन टू या आच्छादक है। बस यही इसमें करने हैं फ्रेंड्स। ये जो फंक्शन हमारा है इसमें साबित करना था एकैकी और आच्छादक, तो इसको देख लिया कि फंक्शन हमारा जो आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव, यानी ये आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव है, यानी इसमें सारे रियल नंबर
प्रांत में है जो धनात्मक है और सह प्रांत में भी वही है। तो यहाँ पर ये फंक्शन एकैकी है और आच्छादक दोनों है। दूसरा पाठ इसका कहता है फ्रेंड्स कि यदि प्रांत को बदल दें, सेकंड पार्ट इसका कह रहा है, सेकंड पार्ट कहता है इसका कि यदि आर स्टार जो प्रांत हमारा है इसको बदल दें नेचुरल नंबर से, तब रिजल्ट पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये जो परिणाम हमारा है एकैकी और आच्छादक क्या ये सही होगा, देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन वही है, सिर्फ यहाँ प्रांत को बदल दिया गया है नेचुरल नंबर से, पहले आर पॉजिटिव था अब नेचुरल नंबर प्रांत आया है तो फंक्शन का परिभाषा बदल गया। यानी इसमें हमको देखना है कि क्या ये एकैकी और आच्छादक है, इसको इसमें जांचना है फ्रेंड्स। तो बताया सह प्रांत ये है और प्रांत यहाँ फ्रेंड्स नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर ये होते हैं, ये हमारा प्रांत है और एकैकी और आच्छादक इसको देखना है। तो सबसे पहले एक्स वन और एक्स टू लेते हैं प्रांत से नेचुरल नंबर से, तो यहाँ से एफ एक्स वन ये होगा, एफ एक्स टू ये होगा, यानी एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिलेगा, यानी एफ एकैकी तो है। अब यहाँ देखें फ्रेंड्स एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, यानी बाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू होगा वन बाई बाई। अब बाई आर प्लस से अगर कुछ भी लें फ्रेंड्स, यहाँ ले मान लें x इज इक्वल टू ये सॉरी बाई इज इक्वल टू रखें टू, तो x हो जाएगा वन बाई टू, ये फ्रेंड्स नेचुरल नंबर नहीं है। बाई बराबर अगर रखें थ्री तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, बाई अगर थ्री रखें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई थ्री, यानी ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। यानी यहाँ पता चला फ्रेंड्स कि इधर से जो सह प्रांत में है, सह प्रांत में बाई दो अगर रखें तो उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब सह प्रांत से दो तीन चार इस प्रकार से अगर नंबर रखें तो का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत यानी n में नहीं है। मतलब यहाँ अगर तीन डालें तो वन बाई थ्री नेचुरल नंबर नहीं है, चार डालें वन बाई फोर नेचुरल नंबर नहीं है, यानी इधर से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सह प्रांत के अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है। दो का पूर्व प्रतिबिंब ये होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी इधर नहीं है प्रांत में, ये भी नहीं है, वन बाई फोर नहीं होगा, और भी ढेर सारे नंबर जो अवयव हैं सह प्रांत में उनके पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेंगे नेचुरल नंबर में। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पर रेंज जो हमारा है इस फंक्शन का वो सबसेट है सह प्रांत का, सह प्रांत यानी आर पॉजिटिव का। अब जब बताया है फ्रेंड्स कि परिसर फलन का यदि सबसेट या उपसमुच्चय हो जाए सह प्रांत का तो फंक्शन हमारा इनटू होता है, इसलिए ये फंक्शन जो एफ है अंतःक्षेपी है। अब फ्रेंड्स क्लियर हो गया, अंतःक्षेपी है तो आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। इसलिए जब प्रांत को बदला गया नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव के जगह पर तो रिजल्ट सत्य नहीं है। अतः लिखेंगे फ्रेंड्स कि प्रांत आर पॉजिटिव को एन से बदलने पर परिणाम बदल गया है, इसलिए रिजल्ट जो पहले था एकैकी और आच्छादक वो सत्य नहीं है।
तीसरा नंबर का प्रश्न कहता है, एक फंक्शन डिफाइन है आर टू आर और फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है फ्रेंड्स, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, यानी यहाँ पर दिया है इसको महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं, एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक है। तो सबसे पहले देखना है फ्रेंड्स कि यह फंक्शन न तो एकैकी है और न आच्छादक, यानी इसमें हमको दिखाना है न तो एकैक और न आच्छादक, यानी ये फंक्शन न तो वन वन है और न ऑन टू है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस महत्तम पूर्णांक फलन को देखते हैं, हम लोग 11th क्लास में पढ़ा है फ्रेंड्स, इसको फिर से अगर समझें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर ये देता है फ्रेंड्स, जब एक्स हमारा हो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन वन, तो ये मान देता है जीरो। ये एक देता है जब एक्स हमारा हो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक लेस देन टू, ये टू मान देता है जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टू हो लेस देन थ्री हो, यानी देखें इन सभी के बीच ढेर सारे नंबर हैं रियल नंबर जिनका एक ही बाई है यानी जीरो है। यानी यहाँ से समझें अगर फ्रेंड्स तो ये फंक्शन बोल रहा है ये हमारा रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, इसमें अगर जीरो जीरो से बड़ा यानी जीरो जीरो से बड़ा एक, ये एक रहा, यहाँ से जीरो दे रहा है, इसके लिए भी जीरो है, इसके लिए भी जीरो है, इसके लिए भी जीरो है, लेकिन एक जब इसमें जाता है तो मान हो जाता है एक, ये एक रहा। अब एक से लेकर दो के बीच जितने सारे नंबर्स हैं रियल नंबर्स सभी के लिए ये मान देता है एक, यानी जीरो से एक तक, एक के पहले तक में सभी का मान जीरो है। यानी क्लियरली यहाँ से समझे फ्रेंड्स ये बहुएकैक फलन है, बहुएकैक फलन है। अब बहुएकैक है तो एकैकी नहीं है। पुनः देखें फ्रेंड्स ये सारे पूर्णांक में रिजल्ट दे रहे हैं, पूर्णांक में, इसमें अगर हम डाल दें ये भी रियल नंबर होता है, यहाँ लिखते हैं 0.1 रियल नंबर है, 0.2 रियल नंबर है, इसी प्रकार 1.21 रियल नंबर है, इसी प्रकार 1.5 रियल नंबर है, उसके बाद इसमें आता है 2। तो 2 का इमेज तो 2 होगा लेकिन 0.1 0.1 0.2 0.9 इसी प्रकार 1.5 इसी प्रकार -1.2 के लिए ये सब जो सह प्रांत में हैं के लिए पूर्व प्रतिबिंब प्रांत यानी R में नहीं है, यानी ये जो सह प्रांत के अवयव इस प्रकार से हैं, क्योंकि ये सारे भी रियल नंबर हैं ये सह प्रांत हैं, सह प्रांत के अवयव हैं ये सभी, उनके पूर्व प्रतिबिंब आर में नहीं हैं, यानी ये सब इधर से किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा पूर्णांक में परिणाम देता है, पूर्णांक ही
तो पूर्णांक के अलावे जितने रियल नंबर हैं सभी का पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, यानी यहाँ से क्लियरली पता चला कि इसका रेंज जो है वो सबसेट है सहप्रांत यानी आर का। अब जब सहप्रांत का ही उपसमुच्चय है रेंज, तो इसलिए आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। जब परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है तो फंक्शन हमारा आच्छादक नहीं होता है, क्योंकि ये फंक्शन जो है फ्रेंड्स महत्तम पूर्णांक फलन हमेशा पूर्णांक में ही रिजल्ट देता है। इसमें इधर से जो रियल नंबर हैं ये इस प्रकार से दशमलव वाले या रूट वाले वे सभी इधर छूट जाएंगे, उनके पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं मिलेंगे। जैसे इधर मान ले हैं माइनस रूट दो, इधर मान ले हैं माइनस रूट तीन, तो माइनस रूट दो किसी का भी पूर्व ये प्रतिबिंब नहीं होगा, यानी इसका पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं होगा, इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है एक फंक्शन है जो रियल टू रियल परिभाषित हैं, यानी प्रांत भी इसका रियल नंबर है और सह प्रांत भी रियल नंबर है, और फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। कहता है ना तो एकैकी ना तो आच्छादक, इसको भी दिखाना है फ्रेंड्स, ना तो एकैकी और ना आच्छादक, ये इसमें हमको दिखाना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मॉड एक्स को समझें फ्रेंड्स। मॉड एक्स के बारे में बताया है कि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, यानी मॉड एक्स जो रिजल्ट देता है वो एक्स देता है जब एक्स हो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स देता है जब हो एक्स लेस देन जीरो। यानी अगर मॉड एक्स में एक्स से जीरो से छोटा नंबर डाला जाए, निगेटिव डाला जाए, तो उसमें वो एक और माइनस गुना कर देता है, यानी नेट रिजल्ट पॉजिटिव होता है। अगर इसका आलेख देखें फ्रेंड्स, ये आलेख है मॉड एक्स का, ये मॉड एक्स है, इसमें डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर है, लेकिन रेंज यहाँ है फ्रेंड्स, रेंज जो इसका है वो जीरो है और कॉमा इन्फिनिटी है, यानी खाली इसमें रेंज इधर से आ रहे हैं जीरो कॉमा इन्फिनिटी, और जीरो कॉमा इन्फिनिटी जो परिसर है वो आर का सबसेट है, क्योंकि आर में नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आर का मतलब है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसमें खाली परिसर में ये आ रहा है, इसलिए रेंज जो है आर का यानी सह प्रांत का उपसमुच्चय है, इसलिए ये आच्छादक तो नहीं है, आच्छादक नहीं है। अगर एकैक देखना है तो एकैक में देखें फ्रेंड्स, एकैक के लिए ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें एक्स अक्ष के पैरेलल, तो यहाँ से इस एक्स के लिए भी बाई वही है और एक्स एक्स के लिए भी बाई एक ही है, यानी एक्स वन और एक्स टू के लिए बाई यहाँ सेम है। यानी इसको अगर ये समझें कि मान लें यहाँ रखें माइनस एक और यहाँ रखें एक, तो माइनस एक जब इसमें जाएगा तो एक्स बराबर ये मॉड में अगर माइनस एक डालें तो रिजल्ट देता है एक, और अगर एक इसमें डालें तब भी रिजल्ट आएगा एक, यानी f माइनस वन बराबर भी एक है और f वन बराबर भी एक ही है, यानी यहाँ से f माइनस वन बराबर भी एक है और f वन बराबर भी एक है। यानी यहाँ माइनस वन और एक का प्रतिबिंब एक ही है, सेम है, इसलिए फंक्शन ये मेनी वन है, एकैक नहीं है, एकैक नहीं है, क्योंकि यहाँ दो एक्स का एक ही बाई है। यहाँ एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, लेकिन ये माइनस एक और एक बराबर नहीं है। कहने का मतलब है
कि दो एक्स के लिए वाई एक ही है, यानी एक इमेज के दो प्री इमेज हैं, एक का प्री इमेज माइनस एक भी है और एक भी है, तो ऐसा बहु एकैक फलन में होता है यानी एकैक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक फंक्शन है रियल टू रियल परिभाषित है और एफ एक्स इज इक्वल टू है 1 जब एक्स हो ग्रेटर देन 0, एक्स बराबर 0 होने पर ये 0 है और माइनस एक है एक्स लेस देन 0 के लिए। यानी इधर देखें फ्रेंड्स, ये हमारा रियल नंबर है प्रांत में और ये हमारा सह प्रांत है रियल नंबर में और फंक्शन डिफाइन है आर टू आर। अब रियल नंबर में बहुत सारे नंबर हैं, इधर 0 हैं और इधर 0 से बड़ा है, 0 पर मान ही दे रहा है फ्रेंड्स 0। 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटे इधर सभी हैं, इधर के लिए सभी का मान है माइनस एक, यानी 0 और इधर से जितने भी नंबर हैं सभी के लिए मान माइनस एक है। यहाँ से 0 से बड़ा अगर देखें फ्रेंड्स, 0 से बड़ा तो उसके लिए मान एक है, यानी इसके लिए भी एक है, इसके लिए भी एक है, इसके लिए भी एक है, इसके लिए भी एक है। यानी यहाँ से समझें कि जब x हमारा एक एक दिखा रहे हैं, पहले जब x ग्रेटर देन 0 है तब f x बराबर है 1, x बराबर जब 0 है तो f 0 बराबर है 0 और x जब लेस देन 0 है तो एफ एक्स बराबर है माइनस का 1। यानी यहाँ से क्लियरली समझें फ्रेंड्स कि बहुत सारे एक्स के लिए बाई एक ही है, इधर से मैनी इधर से 1। यानी यहाँ से अगर लेस देन में दिखाएं तो एक एफ में माइनस एक डालें तब भी कहता है माइनस एक, एफ में माइनस 2 डालें तब भी कहता है माइनस एक, एफ में माइनस 1/2 डालें तब भी कहता है माइनस एक। यानी एक्स जब 0 से छोटा है तो यहाँ पर देखें एक्स अलग अलग है लेकिन इनके प्रतिबिंब एक ही हैं, यानी इनके लिए प्रतिबिंब एक है, तो क्लियरली पता चला कि ये एकैक नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन है फ्रेंड्स, बहु एकैक फलन है। अब यहाँ से देखें रेंज में खाली मान जो आ रहा है केवल माइनस 1, 0 और 1, यानी रेंज जो इस फंक्शन का है वो है माइनस 1, 0 और 1, ये रेंज है फ्रेंड्स। जबकि सह प्रांत हमारा है R, ये सह प्रांत है। अब सह प्रांत R जो होता है, ये R हमारा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब रेंज में यही आ रहा है जबकि सह प्रांत रियल नंबर का है, तो ये सबसेट है R यानी सह प्रांत का, यही लिखते हैं फ्रेंड्स, सबसेट है R यानी सह प्रांत का, इसलिए आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। जब कभी परिसर फंक्शन का सह प्रांत का उपसमुच्चय हो जाए तो वो अंतःक्षेपी फलन होता है। अब आच्छादक नहीं है तो अंतःक्षेपी है, यानी अंतःक्षेपी है तो आच्छादक नहीं है। तो फंक्शन ये जो फलन है न तो एकैक है और न ही आच्छादक है। 6 कहता है, एक सेट दिया है हमारे पास ए 1, 2, 3, दूसरा सेट दिया है बी 4, 5, 6, 7 और फंक्शन एफ दिया हुआ है 1, 4, 2, 5, 3, 6। ये है फ्रेंड्स फंक्शन हमारा, ए से बी तक फलन है, यानी फंक्शन जो ये डिफाइन है वो सेट ए से बी पर है। कहता है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि एफ एकैक है, यानी इसको हमको दिखाना है एकैक है। अब एकैक अगर दिखाना है फ्रेंड्स तो सबसे पहले देखें इसको चित्रण रूप में, ये हमारा सेट ए रहा, ये बी रहा, ए के एलिमेंट हैं 1, 2 और 3, बी के अवयव हैं 4,
फाइव सिक्स और सेवन। फंक्शन में जब एक जा रहा है, ये फंक्शन जो ए से बी पर डिफाइन है, जब इसमें एक डाल रहे हैं तो परिणाम चार मिल रहा है, यानी एक का प्रतिबिंब है चार, दो का प्रतिबिंब है पाँच और तीन का प्रतिबिंब है छः, यानी वन बाई वन फंक्शन है फ्रेंड्स। इधर का एक, इधर का एक, यानी एक के भिन्न अवयवों के भिन्न प्रतिबिंब बी में हैं, इसलिए एफ एक एक है, एक एक है ये फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से अगर भी समझें तो इधर से वन, इधर से वन, यानी वन बाई वन मैपिंग है, इसलिए फंक्शन ये हमारा एक एक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन कहता है क्या दिए हुए फलन एक एक ही आच्छादक अथवा एक एक ही आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। यानी फंक्शन हमारा है पहला एफ आर टू आर परिभाषित है और एफ एक्स इज इक्वल टू है थ्री माइनस फोर एक्स। तो सबसे पहले एक एक देखें फ्रेंड्स, पूर्व के सारी जो भी बातें बताई गई है फ्रेंड्स, उसको हमेशा याद रखें कि जब कभी फंक्शन दिया रहेगा तो उसका प्रांत और सहप्रांत हमको दिया रहेगा। तो एक एक के लिए चेक करें फ्रेंड्स, यहाँ प्रांत रियल नंबर है और सहप्रांत भी रियल नंबर है। तो एक्स वन कॉमा एक्स टू लेते हैं आर से, एफ एक्स वन बराबर करते हैं एफ एक्स टू के। यहाँ अगर एक्स वन डालें तो ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर एक्स वन, ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर एक्स टू। यहाँ से थ्री थ्री कटेंगे, बचेगा माइनस फोर एक्स वन इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स टू। माइनस माइनस कटेंगे, बचा यहाँ से फोर एक्स वन इज इक्वल टू फोर एक्स टू। फोर से फोर चल बसा, यहाँ बचा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। यानी एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू जब आया है, जब हमने एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखा है, तो फंक्शन हमारा एक एक है। एक एक फंक्शन ये है फ्रेंड्स, चूँकि इसमें फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है और ये थ्री माइनस फोर एक्स से परिभाषित है। जब रियल नंबर से हमने एक्स वन एक्स टू रख कर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू किया, तो हमको एफ एक्स वन बराबर ये सॉरी एक्स वन बराबर एक्स टू आया है, तो एक एक ही है। आच्छादक देखें फ्रेंड्स, आच्छादक में एफ एक्स हमारा है थ्री माइनस फोर एक्स, चूँकि एफ एक्स रेंज परिसर होता है, इसको बाई लिखते हैं, तो थ्री माइनस फोर एक्स, यहाँ से माइनस फोर एक्स को इधर करें तो प्लस हो जाएगा, बाई इधर आएगा तो थ्री माइनस बाई, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस बाई बाई फोर। अब यहाँ से बाई रियल नंबर से कुछ भी रखें फ्रेंड्स, फोर ऑल बाई बिलोंग्स टू आर, एक्स हमको रियल नंबर से मिलेगा फ्रेंड्स, यानी सहप्रांत से, और ये प्रांत में हमको आर मिलेगा फ्रेंड्स, हर बाई का हमको एक्स उपलब्ध है प्रांत में। इस प्रकार की चेक करें कि एफ एक्स हमको दिया हुआ है थ्री माइनस फोर एक्स, हम निकालते हैं एक्स के जगह पर ये डालते हैं एफ थ्री माइनस बाई बाई फोर, यहाँ फंक्शन में रखते हैं एक्स के प्लेस पर, ये फंक्शन हमारा है थ्री माइनस फोर एक्स, ये हमारा एक्स का मान है, इसको रख रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देखें थ्री माइनस फोर इंटू, ये जाएगा थ्री माइनस बाई बाई फोर, यहाँ से फोर फोर कटेंगे, बचा थ्री माइनस अंदर गुना होगा, तो ये थ्री प्लस बाई, ये प्लस माइनस कटेगा, ये बच गया बाई। अब यहाँ से समझा फ्रेंड्स कि जब एक्स हमारा ये है तो एक्स को फंक्शन में डालते हैं तो बाई हमको मिलता है। इसका मतलब ये बातें सत्य हैं कि सभी बाई जो सह प्रांत में हैं उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपलब्ध है, इसलिए फंक्शन आच्छादक है। अब फंक्शन एक एक भी है, आच्छादक भी है,
एकैक भी है आच्छादक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि एफ एकैक प्लस आच्छादक दोनों है तो इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड पार्ट वो भी रियल टू रियल परिभाषित है और फंक्शन है वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो रियल नंबर से अगर लें फ्रेंड्स और इसको रखें तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स वन का स्क्वायर और इधर से ये हो जाएगा वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर। वन से वन कटेंगे तो यहाँ से हमको बचेगा एक्स वन स्क्वायर, इसको इधर लाएं तो माइनस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स वन प्लस एक्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये जीरो भी हो सकता है चूँकि ये रियल नंबर है, एक्स वन एक्स टू रियल नंबर है। यहाँ लिखते हैं एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर, इसलिए या तो ये जीरो हो सकता है, ये जब जीरो होगा तो यहाँ से हमको मिलेगा एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू, जब ये जीरो होगा एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमको मिलेगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। यानी यहाँ से रिजल्ट हमको मिल रहा है एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। तो ये आ रहा है फ्रेंड्स तो एकैक नहीं है, एकैक तभी होता जब हमको एक्स वन बराबर एक्स टू मिलता, तो एकैक नहीं है। आच्छादक अगर देखना है फ्रेंड्स तो इसके आच्छादक गुणों को अगर जांचना है तो एफ एक्स फंक्शन को यहाँ लिखें, चूँकि यहाँ एफ एक्स हमको दिया हुआ है वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई इज इक्वल टू, फंक्शन को बाई ही लिखते हैं, ये इधर ले जाएंगे तो बाई माइनस वन एक्स स्क्वायर, इसी लिए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बाई माइनस वन। अब अगर यहाँ पर फ्रेंड्स बाई इज इक्वल टू हम रखें माइनस वन, माइनस वन इसमें रखें फ्रेंड्स, तो एक्स हो जाएगा अंडर रूट माइनस वन माइनस वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का टू। चूँकि बाई सह प्रांत में है, ये रियल नंबर है लेकिन ये रियल नंबर नहीं है फ्रेंड्स, ये बाई माइनस एक सह प्रांत में यानी रियल नंबर है लेकिन एक्स रियल नहीं आ रहा है, यानी माइनस वन और इस प्रकार के जितने भी निगेटिव नंबर हैं सभी का पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं है। यानी यहाँ से समझे फ्रेंड्स कि फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू आर यानी सह प्रांत के लिए हमको x डज नॉट बिलोंग्स टू r मिल रहा है। दिस इम्प्लाइज कि ये जो रेंज होगा इस फंक्शन का परिसर का वो सबसेट होगा r यानी सह प्रांत का। अब सबसेट जब होता है तो फंक्शन हमारा अंतःक्षेपी होता है, अंतःक्षेपी यानी इंटू होता है। अब अंतःक्षेपी है तो अतः आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।